हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर हम 22 अगस्त 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो आपके एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस, बैंकिंग, रेलवे सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करते हैं हम। डेली 8 बजे ये क्लास होती है। आज बारिश के कारण ये क्लास थोड़ी लेट हो गई है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, साथ साथ आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कल नीतू कुमारी ने जो आंसर दिए थे डेंगू और मलेरिया डे के, वो बिल्कुल सही थे। तो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कौन सा बल्लेबाज तीनों फॉर्मेट में टॉप 5 में आने वाला पहला इकलौता बल्लेबाज बन गया? तो ये हैं आपके बाबर आजम, ठीक है। बाबर आजम हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैट्समैन हैं। ये टेस्ट रैंकिंग में 5वें स्थान पर हैं, T20 में आपके पहले स्थान पर, और वनडे में तीसरे स्थान पर, मतलब तीनों फॉर्मेट में टॉप 5 में ये हैं। अब बात करें पाकिस्तान की, यहाँ बात आई है, तो पाकिस्तान जो है अब वो एशिया कप करा रहा है 2022 का, ठीक है। तो 2022 का जो आयोजन करा रहा है एशिया कप का, वो पाकिस्तान कंट्रोल बोर्ड करा रहा है, ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि 2021 का एशिया कप कौन कराएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। देखिए ICC जो टूर्नामेंट्स हैं उनके कुछ आयोजन के बारे में जो आपके एग्जाम में आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे ICC मेंस की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप कराएगा मेन से, वो ऑस्ट्रेलिया कराएगा, और 2021 का जो कराएगा वो इंडिया कराएगा। देखिए 2020 में होना था वो ऑस्ट्रेलिया करा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर ये COVID-19 की वजह से आगे बढ़ गए हैं सब। ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप की बात करें, 2021 का न्यूजीलैंड कराएगा, ठीक है, और 2022 का साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में से कोई एक कराएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें, तो 2022 का वुमेन्स का न्यूजीलैंड में होने वाला है, और 2023 का यहाँ पर मेंस का इंडिया में होने वाला है, ठीक है। तो मेंस की बात हो रही है तो आप ये सभी जानते हैं, तो ये सब ये जो है इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में जो भी साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में जो भी कराएगा, हम इसको आपको आगे अपडेट करा देंगे। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह भारतीय मूल के किस चिकित्सक को यूके के रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियर प्रेसिडेंट के विशेष पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो एक विशेष पुरस्कार मिला है यूके रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियर की तरफ से। ये जो है वो फिजिशियन थे, इनका नाम है रवि सोलंकी, ठीक है। तो रवि सोलंकी को ये अवार्ड मिला है। COVID-19 में इन्होंने कुछ योगदान दिया है अपनी तरफ से चिकित्सक के रूप में, फिजिशियन के रूप में, उसकी वजह से ये अवार्ड इनको दिया गया है, एकेडमी अवार्ड है। अब इनके साथ साथ 19 लोगों को भी ये अवार्ड दिया गया है, तो उनमें से एक हमारे रवि सोलंकी हैं। ये इनका हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, देखिए यहाँ पर कुछ डिटेल और दी है, साइंस और टेक कुछ अवार्ड्स हम डेली 6-6 अवार्ड यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ज़्यादा अवार्ड मैंने इसलिए यहाँ पर नहीं लिखे कि आपको याद नहीं होंगे, तो हम डेली 6-6 अवार्ड यहाँ पर करेंगे, जिससे आपको धीरे धीरे ये सब अवार्ड भी याद होते चले जाएं। तो ये हाल ही में अवार्ड मिला है यंग करियर अवार्ड 2020 का, तो ये मिला आपका सौरभ लोधा को, तो ये आप नोट कर लें। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को अवार्ड जो मिला है 2017-19 के बीच के सत्र में ये अवार्ड दिया गया है, तो ये मिला बी प्रवीण राव को, तो ये भी आपको याद रखना है, डॉक्टर स्वामीनाथन अवार्ड। निक्की एशिया प्राइज 2020 मिला है IIT मद्रास को और टी प्रदीप को, और हाल ही में IIT मद्रास को टॉप इंस्टीट्यूशन का अवार्ड भी मिला है। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो कौन सा है, कलिंग इंस्टीट्यूशन है। लिटरेचर एकेडमी अवार्ड की बात करें, तो जो आपका दुश्चे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 है, वो सिद्धार्थ बरा दर्जन को मिला है, ठीक है। तो सिद्धार्थ बरा दर्जन को ये वाला डिस्चू वेलेस फ्रीडम स्पीच ऑफ अवार्ड, थोड़ा नाम कठिन है लेकिन आप एक बार इसको लिखेंगे तो याद हो जाएगा। विलियम ई कोलबी अवार्ड जो है वो आपके एडम हैगिन बोथम को मिला है। और पेन हेमिंग अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेन हेमिंग अवार्ड जो 2020 का है वो मिला है आपका रुचिका तोमर को, एक टाइप का ये नोबल प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स के लिए इनको मिला, ये इनकी नोबेल थी, अ प्रेयर ऑफ ट्रेवलर्स, ठीक है, रुचिका तोमर, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। टी प्रदीप आपको याद रखना है, बी प्रवीण राव, और आपका सौरभ लोधा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि वैज्ञानिक ने किस जीवन के जनन अंगों में पाए जाने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला है जो कि मलेरिया का कैरियर वाहक से बचाते हैं। देखिए मलेरिया जो होता है वो मच्छरों से होता है। अब मच्छर क्या करते हैं, इसको बाहक करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो इससे बचाने के लिए एक सूक्ष्म जीव की खोज की है हमारे वैज्ञानिकों ने, तो ये आपका इसका आंसर जो है वो मच्छर होगा, ठीक है, क्योंकि मच्छर यहाँ पर कैरियर और वाहक का काम करते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि जो आपका मच्छर डे था या मॉस्किटो डे था वो कब मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो मलेरिया होता है,
वो आपका एनोफ्लीज मच्छर से होता है, ठीक है, और जो आपका डेंगू होता है वो एडीज मच्छर से होता है, ठीक है, तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि घर बैठे मोबाइल पर नौकरियां की जानकारी के लिए किस कंपनी ने कोरमो जॉब्स लॉन्च किया। ये कोरमो जॉब्स एक टाइप का ऐप है, इसमें क्या हुआ कि आपको घर बैठे नौकरियां मिलेंगी। अब घर बैठे नौकरी यहाँ पर मिलेंगी, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो ऐप है, ये ऐप जारी किया है आपका गूगल ने, ठीक है, तो अब गूगल क्या कर रहा है यहाँ पर आपको नौकरी दे रहा है। अब कितनी नौकरियाँ दे रहा है, तो ये यहाँ पर अभी 21 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ अवेलेबल हैं, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। देन यहाँ पर इसको डाउनलोडिंग की बात करें, 2 दिन में 10 लाख यहाँ पर डाउनलोड हो चुके हैं, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी यहाँ पर जॉब के लिए यहाँ अप्लाई किया जा रहा है इस ऐप पे, तो आप भी जाके आपके हिसाब की जॉब यहाँ देख सकते हैं। गूगल के बारे में बात करें तो इसका फाउंडेशन यार है, इसको स्थापना 1998 में हुई थी। फाउंडर इसके लेरी पेज हैं, ठीक है, और CEO इसके कौन है, सुंदर पिचई हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया में है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, निम्न में से किस कौन सी कंपनी ऐसी है जो शेयर बाजार में $2 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू वाली पहली कंपनी बन गई है। तो ये जो है अमेरिका की पहली कंपनी यहाँ पूछ रहे हैं, ठीक है, अमेरिका की पहली कंपनी बनी है, ये बनी है आपकी एप्पल, और एप्पल क्या है आपका सबसे वैल्यूएबल ब्रांड भी बन गया है। इसके बाद कौन सा था वैल्यूएबल ब्रांड, वो आपका रिलायंस जियो था। अब अगर हम एप्पल की बात करें तो 1 अप्रैल 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, CEO इसके टिम कुक हैं और हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया में। अब आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ये बताना है कि इसके फाउंडर कौन है, एप्पल के फाउंडर कौन है, ठीक है। अगेन ये जो अमेरिका कंपनी है, इसके अलावा जो $2 ट्रिलियन वाली एक कंपनी थी, उसका नाम यहाँ पर था, उसका नाम था सऊदी अरबिया की एक कंपनी थी अरामको, तो उसने 2019 में ये $2 ट्रिलियन का जो था ये जो टारगेट था और ये अचीवमेंट उन्होंने पाया था, तो ये दूसरी कंपनी ओवरऑल बन गई है और पहली अमेरिका ये कंपनी बन गई। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिश द रिपोर्ट टाइटल यूथ एंड COVID-19 इम्पैक्ट ऑन जॉब एजुकेशन राइट्स मेंटल वेलबींग। तो हाल ही में उस संगठन का आपको नाम बताना है जिसने युवा और COVID-19 के लिए नौकरियां, शिक्षा, अधिकार और मानसिक कल्याण पर एक शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, ILO इसको बोलते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ी डिटेल देखते लेते इसके बारे में, ILO के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना जो हुई थी वो 1919 में हुई थी, इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें एक पॉइंट है, ये जरूर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि 1969 में इस संगठन को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ILO को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके जो फाउंडर हैं वो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पर इसको फाउंड किया गया था, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि नई उड़ान इज द स्कीम लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ द होम, विच मिनिस्ट्री, किसने नई उड़ान स्कीम को लॉन्च किया है। तो जो नई उड़ान स्कीम है ये लॉन्च किया है आपका माइनॉरिटी अफेयर्स ने। अब ये माइनॉरिटी अफेयर्स ने इसको लॉन्च करने का ये है कि माइनर्स के लिए ही ये नई उड़ान स्कीम है। अब इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, UPSC, SSC और जो भी PCS एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट जो आपके लोक सेवा आयोग के जो एग्ज़ाम होते हैं, उनमें क्या होगा कि जो जैसे कि माइनॉरिटी जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको अगर उन्होंने प्री क्वालिफाई कर लिया तो वो अब नेक्स्ट एग्ज़ाम मतलब मेंस में जाएंगे, तो मेंस का जो भी खर्चा होगा वो सरकार उठाएगी। तो यही है आपकी नई उड़ान स्कीम। तो इसमें क्या होगा, जो माइनॉरिटीज स्टूडेंट होते हैं, जो अल्पसंख्यक मामलों अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं और स्टूडेंट होते हैं, उनको यहाँ पर फाइनेंशियली यहाँ पर सहायता दी जाएगी, ठीक है। तो मेंस की तैयारी का सारा खर्चा पर प्री क्वालिफाइड यहाँ पर होना चाहिए, तभी मेंस में जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि हु हैज़ लॉन्च द कॉन्टेक्टलेस डिजिटल इनिशिएटिव लक्ष्मी डिजिगो रिसेंटली। तो हाल ही में लक्ष्मी डिजिगो रिसेंटली जो लॉन्च किया है वो कॉन्टेक्टलेस, यदि आप देख सकते हैं एक संपर्क रही थे आपको कोई भी यहाँ पर डिजिटलाइजेशन है एक तरीके का पूरा, तो ये किया है आपका लक्ष्मी विलास बैंक ने। अब लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लक्ष्मी विलास बैंक की स्थापना हुई थी आपकी 1926 में। इसके जो फाउंडर हैं वो है श्री BS रामलिंगा चेत्यर, MD इसके सुब्रमण्यम सुंदर, हेडक्वार्टर इसका चेन्नई तमिलनाडु में है। टेगलाइन जो है इसकी वो है द चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉस्पर्टी। देखिए टेगलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, इसके CEO MD से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हिंदी में इसको बोलते हैं समृद्धि का बदलता चेहरा, इसकी टेगलाइन है किसकी, लक्ष्मी विलास बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास ये है कि L&T
जो है हाइड्रोकार्बन, एलएनटी की एक कंपनी है हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग, एलएनटी के अंडर ये काम करती है। इसने एक साइन किया है मऊ, एक समझौता किया है, किसके साथ किया है, जिसमें कि CO2 को ये मेथनॉल डेमोन्स्ट्रेटर प्लांट, मतलब कि जो एक मेथनॉल प्रदर्शन संयंत्र के लिए CO2 का निर्माण करने के लिए समझौता हुआ है। तो ये हुआ है आपका NTPC से। तो अब NTPC का फुल फॉर्म क्या है? NTPC का फुल फॉर्म यहाँ पर ये है कि नेशनल थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट का फुल फॉर्म है। अब NTPC के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते, इसने अभी क्या क्या, देखिए सबसे पहले NTPC का नाम सुनते ही आता है इंडियन रेलवे का नाम। तो इंडियन रेलवे ने हाल ही में कुछ टारगेट यहाँ पर डिसाइड किए हैं, उन टारगेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो आपका जो रेलवे है, जो रेलवे ट्रैक है, वो सारा इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा 2022 तक, ये टारगेट रखा है इंडियन रेलवे ने। सेकेंड टारगेट ये रखा है कि जो इंडियन रेलवे है उसमें 50% हम ट्रैफिक कम कर देंगे, एटलीस्ट 50% 2030 तक, ठीक है। रेलवे टू रन 100% इलेक्ट्रिसिटी। अब जो रेलवे होगा वो इलेक्ट्रिसिटी पर ही, जैसे आपका इसका इंजन जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, कोई भी कोल इंजन यहाँ पर नहीं होगा। तो ये 2020 तक ये टारगेट रखा है, चाहे आप इसमें आप ब्रॉडगेज की बात कर लो, वो भी इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सारा कुछ जो होगा, जैसे ये आप देख सकते हैं इंडियन रेलवे जो इलेक्ट्रिफाइड है, ऑल ब्रॉडगेज जो है वो भी इलेक्ट्रिफाइड हो जाएंगे 2023 तक। तो कुल मिला के जो टारगेट हैं वो एक ही आपके इलेक्ट्रिफाइड से ही ले जाए, मतलब विद्युतीकरण यहाँ पर रेलवे करने वाला है। यहाँ पर इंडियन रेलवे विल बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट नेट जीरो कार्बन इमीटर 2030 तक। तो यहाँ पर जो कार्बन इमीटर, सब जीरो कार्बन इमीटर होगा रेलवे, इंडियन रेलवे द्वारा, और ये वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री है, वर्ल्ड का फर्स्ट रेलवे डिपार्टमेंट बन जाएगा 2030 तक। रेलवे मिनिस्टर ने एक और टारगेट सेट किया, लोकोमोटिव कंप्लीटली इलेक्ट्रिक सिटी, यानी कि ये भी लोकोमोटिव जो होते हैं, जो आपके इंजन होते हैं, उनको भी ये इलेक्ट्रीफाइड करेंगे, कोल इंजन यहाँ से पूरी तरीके से हटा दिए जाएंगे। अब जैसे ही कोल इंजन हटेंगे तो आपका जीरो कार्बन इमीटर होगा। तो ये टारगेट एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द इंडियाज रैंकिंग डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 इंडेक्स रिलीज बाय सर्फ सार्क। तो ये जो है वो 57 रैंकिंग की आई है, ठीक है, 57 रैंक आई है इंडिया की। अब ये जो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये क्या है? देखिए डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ है कि हम किस तरीके से जीवन जीते हैं, हमारा भारत। तो हमारा भारत जो डिजिटली, अगर हमारी लाइफ में हम डिजिटली जितना यूज़ करते हैं उसके हिसाब से रैंकिंग बनाई जाती है। और ये रैंकिंग कौन डिसाइड करता है? सर्फ सार्क करता है, एजेंसी का नाम भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें डिजिटल क्वालिटी लाइफ 2020 में इंडेक्स में, नंबर वन जो आया वो आया डेनमार्क, नंबर टू पे आपका स्वीडन है, कनाडा है। आपको याद सिर्फ रखना है नंबर वन कौन है, डेनमार्क है, और इंडिया आपका 57 नंबर पे है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हु हैज बीन अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो इन अगस्त 2020। हाल ही में टोबैगो जो है उसके प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए? तो ये प्रधानमंत्री बने हैं कीथ रोबले। इनका पूरा नाम है कीथ क्रिस्टोफर रोबले, ठीक है, रेले। अब यहाँ पर त्रिनिदाद के बारे में कुछ आपके डिटेल आपको पता होनी चाहिए, जैसे कैपिटल की बात करें तो पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी कैपिटल है। अब आपको बताना है करेंसी क्या है। देखिए करेंसी आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, पहली करेंसी इसमें यूरो है या डॉलर है, दोनों में से आपको एक बताना है, ठीक है, यूरो या डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ड्रॉप प्लैनेट वाज ओशियन वर्ल्ड स्टेटस बाय रिसर्च रिसेंटली। तो हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस बोने ग्रह को महासागर विश्व का दर्जा दिया है? तो हाल ही में ये दर्जा मिला है, ये मिला है आपका सेरेस को। ये आप देख सकते हैं बीच में, ये दो, इन दो के चारों के बीच में ये सेरेस है। अब अगर हम बात करें सेरेस की, तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रॉप्ड प्लैनेट्स होते क्या हैं। देखिए ड्रॉप्ड प्लैनेट्स ना तो ग्रह होते हैं ना उपग्रह होते हैं, ना तो सैटेलाइट होती है ना तो नेचुरल सैटेलाइट होती है। ये क्या होता है, एक तरीके का तारा आप इसको मान सकते हैं। ये एक लाइन में देख आप सकते हैं, एक लाइन में ही दिखते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इनको एक ही लाइन में बांधे रखता है, एक टाइप से एक लाइन में रखता है। तो ये आपके ड्रॉप प्लैनेट्स होते हैं। और यहीं पे जो हमारे नासा के साइंटिस्ट हैं, उनका यहाँ पर एक एजेंसी थी, उसका नाम यहाँ पर था, उस एजेंसी का नाम था डॉन। तो डॉन के जो साइंटिस्ट, जो नासा के साइंटिस्ट में डॉन की रिसर्च के, डॉन एक टाइप का स्पेस क्राफ्ट है, तो वो स्पेस क्राफ्ट में ये माना है कि यहाँ पर जो कुछ यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल जो भी आपके जो डाटा मिला है उससे ये पता चला है कि ये महासागर विश्व का इसको दर्जा दे दिया, क्योंकि यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि ये महासागर विश्व जो आपका ये जो सेरेस है वो आपका ओशियन बल्ट टाइप है। तो ये आपके नासा के साइंटिस्ट ने यहाँ पर ये विश्लेषण करके, डीएनए करके ये बताया है।
ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, महासागर विश्व का दर्जा किसको दिया गया था, सेरेस को दिया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि अनविल नेम द कंट्री विच अनविल द सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल मैट्रिक कोसिम सोलेमनी। तो हाल ही में ये जो मिसाइल का नाम रखा है किस पर, शहीद कोसिम सोलेमनी। अगर शहीद करें ईरान की तरफ से, अगर ये ईरान का है ये जो बुक ली, ये जो मिसाइल है ईरान की है, ठीक है, और ये जो शहीद कोसिम सोलेमनी की कहानी की बात करें तो ये शहीद किसकी तरफ से, ईरान की तरफ से, लेकिन अमेरिका की तरफ से इनको आतंकवादी मान के मार दिया गया था। कहाँ मारा था इनको, जनवरी की ये बात है, इराक में इनको मार दिया गया था। आपने रिसेंटली बहुत न्यूज़ पे सुना होगा, इसकी वजह से ही यहाँ पर वर्ल्ड वॉर थ्री होने जा रहा था, अमेरिका और ईरान यहाँ पर दोनों युद्ध करने जा रहे थे। तो ईरान की जनता ने यहाँ पर यहाँ विद्रोह कर दिया था अमेरिका के खिलाफ, तो ये इनको मार दिया गया था। ये क्यों हुआ था, क्योंकि ये मीटिंग करने गए थे ISI से और वहाँ पर इनकी डेथ, इराक में गए थे ये, तो इराक में यहाँ पर डेथ इनकी हो गई थी, ठीक है, उस वजह से यहाँ पर ईरान के लोगों ने विद्रोह किया था और यहाँ तक युद्ध तक ये नौबत पहुँच गई थी। ईरान के बारे में बात करें तो यहाँ की मुद्रा करेंसी की बात करें तो रियाल है, और कैपिटल की बात करें तो ये तेहरान है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि उस कंपनी का नाम आपको बताना है जिसने टोक्यो ओलंपिक के लिए टीम इंडिया का प्रायोजित करने की, यानी टीम इंडिया का स्पॉन्सर जो बनेगा उनका नाम बताना है। तो ये है आपका आइनॉक्स कंपनी। तो आइनॉक्स कंपनी जो होगी वो टोक्यो ओलंपिक में जाएगी, भारत के एज ए स्पॉन्सर जाएगी, ठीक है। अब स्पॉन्सर से एक और क्वेश्चन हमने कल ही पढ़ा था कि जो ड्रीम इलेवन है वो IPL जो 13 एडिशन होगा, जो 2020 का IPL होगा UAE में, उसका जो स्पॉन्सर है वो ड्रीम इलेवन होगा। ड्रीम इलेवन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वो आपके महेंद्र सिंह धोनी। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। देखिए जो सौरभ गांगुली हैं, यहाँ के ओलंपिक जो होने वाला है 2021 में, वो गुडविल एम्बेसडर हैं, ठीक है। ये 2020 यहाँ पर लिखा है, इसको देखिए COVID-19 की वजह से ये 2021 हो गया है। और इसकी जो मोटो आपको याद रखना है, पूछा जाएगा क्योंकि 2021 में जो भी एग्जाम होंगे इससे तो जरूर क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो यूनाइटेड बाय इमोशन यहाँ इसका मोटो है। कनाडा यहाँ पर क्या किया है, कनाडा ने टोक्यो ओलंपिक से इन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक होना था, अब जो 2021 में होगा, उसने कनाडा ने अपना नाम वापस ले लिया। अगर हम बात करें टोटल 9 नंबर ऑफ इंडियन बॉक्सर, यहाँ पर 9 बॉक्सर इंडिया के टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड हुए हैं। तो ये जो फैक्ट हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको ये नोट कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो आइनॉक्स कंपनी अब ओलंपिक हमारी स्पॉन्सर इंडिया की तरफ से होगी। नेक्स्ट जो है वो है यहाँ पर बुक के बारे में क्वेश्चन है, इंडिया टुमारो बुक। तो जो इंडिया टुमारो बुक है उसमें जो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर, तो इसमें ये बताया गया है कि जो नेक्स्ट पॉलिटिकल लीडर आएंगे उनकी जनरेशन के बारे में, वो कैसे कैसे काम करेंगे, इस हिसाब से इसमें बताया गया है। तो ये जो बुक है वो दो लोगों ने लिखी है, पहला है प्रदीप छिब्बर, दूसरा है हर्ष शाह, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हो रहे हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है एंड गेम बुक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एंड गेम की हम बात कर रहे हैं। इसको लिखी है हुसैन जेदी ने, ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, तो ये लिखी है स्टीव वॉन, ये क्रिकेट की तरफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी आपको स्टीव वॉन का याद रखना है, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। महावीर द सोल्जर हु नेवर डाई, 1962 की चाइना इंडिया लड़ाई पर एक सोल्जर के ऊपर लिखी गई ये बुक, रूपा श्रीकुमार और AK सुरुका ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसको जरूर पढ़ें, देशभक्ति पर ही ये बेस्ड है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया जो बुक है वो रस्किन बॉन्ड की लिखी गई है। चारों बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम धीरे धीरे बुक्स को भी आपका पूरा कवर कराएंगे जो 2020 में आई है, क्योंकि 2020 की ही आपसे बुक पूछी जाएंगी, ठीक है। अवार्ड्स भी हम ऐसे ही कवर कराएंगे और ये भी आपके, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है भास्कर मेथी हु पास्ड अवे इन अगस्त 2020, किस खेल से संबंधित थे। तो जो भास्कर मेथी का निधन हुआ है वो आपके थे फुटबॉल से, आप देख सकते हैं भास्कर मेथी यहाँ फुटबॉल से थे। इनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल हम दे देते हैं। देखिए भास्कर मेथी जो हैं वो आपके गोलकीपर थे और बाद में ये कोच भी बन गए, लेकिन इनकी जो डेथ हुई वो मुंबई में हुई, 67 साल की एज में इनकी डेथ हुई है, ठीक है। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो गोल गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस खेल से संबंधित थे। डेथ के क्वेश्चन भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो थे वो आपके क्रिकेट से संबंधित थे और ये इनकी एज थी 89 और उनको हार्ट अटैक आने के कारण ये इनकी डेथ हो गई और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच इंस्टीट्यूट इज टू सेट अप अ न्यू अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट।
तो रिटेल पेमेंट की ल्यू अम्ब्रेला एंटिटी यहाँ पर निकाली गई है, ये निकाली गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये न्यू, अब इसमें क्या है कि ये न्यू अम्ब्रेला एंटिटी है क्या, देखिए इसमें क्या होगा, एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा और ये जो फ्रेमवर्क होगा वो जो भी 500 करोड़ रुपए का जिन कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा है उनको इसमें इजाज़त दी जाएगी कि वो इससे जुड़ी सिस्टम इकाई बना सकते हैं। तो यही आपका अम्ब्रेला एंटिटी, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का सेटअप किया गया है। किस कौन सी कंपनी के लिए, जिनका 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा इनका नेटवर्थ है। इसके बाद इनकी थोड़ी डिटेल हम आरबीआई के बारे में पढ़ लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है 1934 एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। अब इसका नेशनलाइज या फिर आप इसको बोलते हैं राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। गवर्नर इसके शक्ति का अंदाज है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, और बैंक रेट यहाँ बात करें तो 4.40% है, और पॉलिसी रेपो रेट 4% है, और पॉलिसी रिवर्स रेपो रेट आपका 3.35% है। अब देखिए यहाँ पर अभी कुछ चेंज कोविड-19 की वजह से पॉलिसी रेट्स में चेंज होने का था, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ, कीप अनचेंज रखा है आरबीआई ने, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच स्टेट अनाउंस टू रिजर्व ऑल गवर्नमेंट जॉब टू द पीपल बिलोंगिंग टू इस स्टेट। तो हाल ही में ये बड़ी न्यूज़ आ रही है मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि नौकरियों को आरक्षित कर दिया है, 100% आरक्षित कर दिया कि अब अगर कोई गवर्नमेंट जो वहां पर निकलेगी तो 100% वहां पर जो फॉर्म भरेंगे उस सिलेक्शन जिनका होगा वो मध्य प्रदेश वालों का ही होगा। तो ये अब इसको इस पे कानून बनाने ये जा रही है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो थोड़ा आप पढ़ लीजिए, लालजी टंडन, क्योंकि हाल ही में इनकी डेथ हो गई है, गवर्नर थे, अब उनका पद आनंदीबेन पटेल ने ले लिया है, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान आप देख सकते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार यहाँ पर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020। तो हाल ही में किस संगठन ने राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम रिपोर्ट 2020 जारी किया है, तो ये किया है आपका ICMR ने, ठीक है। अब ICMR ने ये कैंसर रजिस्ट्री किया है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लें। सबसे पहले तो जो ICMR है उसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, या हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। अब यहाँ पर ये क्या है इस रिपोर्ट में, देखिए इस रिपोर्ट में जो है कैंसर रिपोर्ट जो है उसमें भारत में अगर हम 2020 में देखें तो कैंसर के मामले में 13.9 यानी कि 14 लाख के करीब कैंसर मरीज यहाँ पर हैं, और अगर हम 2025 तक ये कैंसर मरीज हो जाएंगे 15.7, यानी सीधे सीधे यहाँ पर 2 लाख यहाँ पर इंक्रीज़ होकर 2.5 लाख इंक्रीज़ होकर 15.7 यानी 16 लाख के करीब यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोविड-19 के साथ साथ यहाँ कैंसर मरीजों पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। ICMR की बात करें तो ICMR आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यू हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में है। सेक्रेटरी एंड DG की बात करें डॉक्टर श्रीराम भार्गव हैं, लीडर इसके बलराम भार्गव हैं, लेकिन इसके जो फाउंडर हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, क्यों, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है, उनके अंडर में काम करती है, ठीक है। तो ये याद रखना है ICMR 1911 में स्थापना, भारत में कैंसर के मरीज अभी 13.9 यानी 14 लाख के करीब है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने किस भारतीय निजी क्षेत्र बैंक के साथ हिस्सेदारी की है, तो ये की है आपकी हिस्सेदारी ICICI बैंक ने। अब देखिए एक तरफ बायकॉट चाइना हम कर रहे हैं प्रोडक्ट पे, और एक तरफ जो हमारी बैंक्स हैं वो पीपल ऑफ बैंक ऑफ चाइना यानी चाइना का बैंक से यहाँ पर स्टेक ले रही हैं, उससे हिस्सेदारी कर रही हैं। ICICI की बात करें तो जून 1994 में यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। अब आपको ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसके साथ 1994 में किस और बैंक की स्थापना हुई थी जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है, ठीक है। अब आपको हिंट में देता हूँ, आदित्यपुरी। नेक्स्ट जो है इसके जो CEO हैं वो हैं संदीप बक्सी ICICI की ICICI बैंक के, और टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। देखिए मैं टैगलाइन आपको हर बैंक का बताऊंगा क्योंकि टैगलाइन से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ICICI का टैगलाइन क्या है, हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि लॉन्च पुस्तक ग्रैंड पेरेंट्स बैग्स ऑफ स्टोरीज की लेखिका कौन है, तो ये इसकी ऑथर कौन है, ये हाल ही में लॉन्च हुई है, तो ये है आपकी सुधा मूर्ति, आप यहाँ पर देख सकते हैं सुधा मूर्ति ने लिखी है, और यहाँ पर 20 कहानियाँ हैं बच्चों के बारे में, ठीक है। तो ग्रैंड माँ बैग्स ऑफ स्टोरी बच्चों के लिए यहाँ पर 20 स्टोरी यहाँ लिखी है सुधा मूर्ति ने।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो किस बैंक ने विशेष सुरक्षा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी लॉन्च की है। देखिए लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी की बात हो रही है, यहाँ पर किसान कार्ड का यूज़ कर सकते हो आप लोन लेने के लिए, और कुछ और डॉक्यूमेंट्स को वैलिड यहाँ पर कर दिया गया ताकि आसानी से लोन ले सके, तो ये किया है आपका यस बैंक ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अब आसानी से यहाँ पर लोन मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 24वां क्वेश्चन है, किसने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेस चैलेंज की शुरुआत की है। तो स्वदेशी जो माइक्रो प्रोसेस चैलेंज है वो शुरुआत की है आपकी रविशंकर प्रसाद ने। अब देखिए इस जो चैलेंज है माइक्रो, देखिए ये कल भी क्वेश्चन हम लेके आए थे, ये क्वेश्चन है जो कल हम लेके आए थे, इसको रिपीट हमने किया। क्यों? क्योंकि इसके कल डिटेल हम सही से नहीं बता पाए थे। तो इसकी डिटेल में ये है कि देखिए सबसे पहले तो जो माइक्रो प्रोसेस चैलेंज है उसमें दो प्रोसेसर हैं, दो स्वदेशी प्रोसेसर का यूज़ किया गया है। पहला है 32 बिट का, आप सभी जानते हैं 32 बिट और 64 बिट क्या होता है। 32 बिट जो है वो शक्ति नाम है इसका, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 32 बिट कौन है, शक्ति है, और 64 बिट का नाम क्या है, बेगा है। ये दो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर हैं। अब ये क्यों किया है, क्योंकि हम बनाना चाह रहे हैं भारत को आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जो छात्राएँ होंगी उनको नए स्टार्टअप के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा। इसमें आप जो भी छात्राएं हमारे देश की वो यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर ये यह कि IIT मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग एजेंसी द्वारा शक्ति और बेगा माइक्रोप्रोसेसर विकसित किया जाएगा। तो कौन कौन इसमें हेल्प करेगी, ये भी आपसे क्वेश्चन, ये हर एक पॉइंट में आपको बता रहा हूँ, वो आपके एक एक क्वेश्चन होंगे। IIT मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये दोनों एजेंसीज जो हैं, एक हमारा IIT और ये CDSE, ये दोनों शक्ति और बेगा माइक्रोप्रोसेसर को विकसित करेगा। शक्ति क्या है आपका 32 बिट है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बेगा क्या है आपका 64 बिट है। तो ये है हमारा माइक्रो प्रोसेस चैलेंज, द इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारतीय डाक सेवा में भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों पर डाक टिकट जारी किया है। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज द्वारा पाँच यहाँ पर हेरिटेज साइट पर ये एक जो है टिकट जारी किया है। यहाँ पर कुछ डिटेल है, यहाँ भारतीय डाक सेवा ने पांच विधरों पर यहाँ पर पांच के नाम यहाँ पर दिए गए। पहला है अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, याद रखें नाम आपसे कोई सा पूछा जा सकता है, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर इसमें है। गोवा का चर्च इसमें है, पद्मव कव के स्मारक समूह है इसमें, तीसरा कुतुब मीनार है इसमें, चौथा खजुराहो के स्मारक है। खजुराहो कहाँ पर है, MP में, कुतुब मीनार कहाँ पर है, दिल्ली में। तो ये पाँचों का नाम आपको याद रखना है। यूनेस्को ने ये जारी किया है, आप सभी जानते हैं यूनेस्को जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, यही जारी करता है जो भी आपके विश्व धरोहर होते हैं। तो पेरिस यहाँ पर मुख्यालय है यूनेस्को का, और एंड्रे रोजेलो जो है वर्तमान में इसके प्रमुख है। यूनेस्को में आपको ये बताना है कि 2019 में हाल ही में एक शहर शामिल हुआ था जिसका नाम मैं ही बता देता हूँ आपको, वो है जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एंजेला बक्सटन का निधन हुआ है, किस खेल से संबंधित थी। तो ये थी आपकी बैडमिंटन से, आप देख सकते हैं इन्होंने ग्रैंड स्लैम भी जीता था, बैडमिंटन से संबंधित थी, तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है मुथूट फाइनेंस ने COVID-19 कवरेज देने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो ये किया है आपका कोटक जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी है, जो बैंक है, उसके साथ ही समझौता किया है। इसमें क्या होगा कि COVID-19 को कवरेज देने के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने, ताकि जो भी COVID-19 के जो मरीज हैं उनको यहाँ इंश्योरेंस मिल सके, मेडिकल इंश्योरेंस की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में हम आगे कभी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA के लिए कितने करोड़ रुपये को मंजूरी दी है। तो ये जो मंजूरी मिली है वो मिली है 1517 करोड़ रुपये की। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट से भी आप इसका डाटा याद रखें, जितना याद रखें 1517। अब ये NRA क्या है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की हम बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो NRA हाल ही में अभी लागू किया गया है, इसमें क्या होगा, जो SSC होती है, RRB होती है और IBPS होती है, उनकी अब एक ही परीक्षा होगी। और ये जो एक परीक्षा होगी इसको बोलेंगे कॉमन एलिजिबल टेस्ट, और ये कॉमन एलिजिबल टेस्ट जो होगा वो आपके इसके अंक जो होंगे वो 3 साल तक वैलिड होंगे। तो आपको एक सबसे पहले तो ये जो है सबसे पहले आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अब उसके जो मार्क्स होंगे वो 3 साल तक वैलिड होंगे। अब 3 साल तक आप फिर अगर ये अप्लाइड या आपका क्वालिफाइड हो जाता है तो फिर अलग अलग एग्ज़ाम आपके अलग अलग जो जैसे SSC में जाना है आपको, RRB, IUPS में वो एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो ये सरल भाषा में NRA का मतलब यही है। इसके अलावा जो कोई से आपका SSC और UPSC की यहाँ बात नहीं हो रही, UPSC अलग एजेंसी है और अलग कंडक्ट कराती है, लेकिन जो NRA है नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, अब वही ये सब एग्ज़ाम एक ही एग्ज़ाम यहाँ पर कराएगी, और इसके 3 साल तक ही जो होंगे मार्क्स वैलिड होंगे। ठीक है, ये
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अक्षय ऊर्जा दिवस इज ऑब्जर्व बाय एवरी ईयर मिनिस्ट्री फॉर न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। तो हाल ही में जो नवीकरण का ऊर्जा मंत्रालय है, अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये मंत्रालय के मंत्री कौन है एनर्जी सोर्सेस के, ठीक है। तो ये जो है अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, ये आपका 20 अगस्त, ठीक है, आपको याद रखना है 20 अगस्त को ये मनाया जाता है हर साल। लास्ट और आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लिंगराज टेम्पल विच इज़ न्यूज़ रिसेंटली लोकेटेड इन विच स्टेट। तो हाल ही में लिंगराज टेम्पल रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, तो यहाँ पर ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका ओडिशा में है, ठीक है। तो ये अब आपको इसका PDF जो है और जो भी अपडेट होती है हमारी क्लास की वो मिलेंगी आपको SB एजुकेशन पे। तो SB एजुकेशन आपको लिखना है, एस और बी आपको कैपिटल में लिखना है टेलीग्राम पर, और एजुकेशन आपको पूरा स्मॉल में लिखना है। ये सर्च करके आपको ये सारी PDF जो इंपॉर्टेंट होती है, डेली हम 30 क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होता है। क्वेश्चन रिपीट हम जब भी करते हैं जब आपको कोई डिटेल नहीं दी हो, नहीं तो हम क्वेश्चन रिपीट नहीं करते, ठीक है। तो आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना PDF के लिए, और जो भी आपकी करेंट अफेयर से जो भी आपके अपडेट होते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर वीकली और मंथली क्विज भी होते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं आसानी से उसका डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करके, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत।